हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर परसेंटेज। हमने अब तक आपके जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स, ये क्लियर किए हुए हैं। अब हम जो थर्ड चैप्टर है वो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8, क्लास 8 चैप्टर परसेंटेज। चैप्टर नंबर है आपका 9, क्लियर। अब परसेंटेज होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज का साइन है वो ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि परसेंटेज का जो साइन है वो ये होता है, क्लियर। तो इसको हम 100 बोलते हैं। परसेंटेज की जो वैल्यू है वो क्या है, 100, यानी कि एक्स परसेंटेज, यानी कि ये क्या हो गई, 100। इसको क्या लिखेंगे, 100, क्लियर। और फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। अब हमको जैसे लाइक दैट 36% एग्जाम्पल नंबर 1 लेकर चल रहे हैं, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम यह लिखेंगे 36/100। अगर ये हमारा, वैसे ये आंसर ठीक है, अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो 2 1 2 1 इज अ शिफ्ट हो गया, 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6 और 2 5 10 और 0, 2 9 18, 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि 9/5 ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये हमने किसमें कन्वर्ट किया है, एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग किसमें, फ्रैक्शन में। तो सारे इस तरीके, अब लाइक दैट जैसे 0.8%, इसको हम कैसे करेंगे, 0.8% का 100 आएगा, पॉइंट हटाया 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने हम नीचे डेनोमिनेटर में 0 बढ़ाते हैं, तो यानी कि 0 हो गया, 2 4 8, 2 5 10, 0 0, फिर कट हो गया, 2 2 4, 2 2 4, 1 शिफ्ट हो गया, 2 5 10 और 0, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 1/125 इसका क्या हो गया आंसर, क्लियर। इतना नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपका है 80%, ठीक है, इसको हमें किसमें करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 80/100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 4 8, 2 5 10, यानी कि आपका क्या आ गया, 4/5। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 5 का 4 में डिवीजन ले लेंगे, तो 5 का साइड से 4 में दीजिए, जाएगा नहीं, 0.10 आपका भर गया, तो 5 8 40 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.8। तो ये आपका किसमें हो गया, डेसिमल, क्लियर। इस तरीके से हमारे ऑल क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ये हमने किसमें कन्वर्ट किया है, ये हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 7/25, क्लियर। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 7/25 को तो एज इट इज यू लिख देंगे, विद मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है 25 1 25 और 25 4 100, तो 7 4 28, 28% क्या हो गया, परसेंट में आपका आंसर आ गया 28%। मैं एक और करके बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमें परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे लाइक दैट आपका दिया हुआ 11/6, ठीक है,
तो 11/6 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? नेक्स्ट आपका 11/6 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसे किस तरीके से करेंगे, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो 6 से कट हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10 और 0, अब कट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 11/5 55, 0/3, और इसका हमने क्या परसेंटेज में। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में, आप अगर डिवीजन दोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा 183 होल नंबर 1/3 परसेंटेज आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग 3:4 टू परसेंटेज। इसको हमें रेशियो को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो आप देखिएगा। वो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, कन्वर्ट द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज। तो जैसे ये दे रखा है 3:4, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 का परसेंटेज। क्लियर? अब इसको हमें किस तरीके से करेंगे, इसे अगर कैंसिल हो रहा है, 3/4 हो गया मल्टीप्लाई 100, क्योंकि रेशियो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 0, फिर 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 5 10। अब 25 3 क्या होता है, 75। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपको टाइप्स बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस टाइप्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। देन इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ तो मैं आपको सेंड करूंगी विद अप मेरे से, फिर क्लास में जब ऑनलाइन क्लास होगी गूगल मीट, उस पर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी वगैरह है पूछनी है। तो नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं कि उसपे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 36% एज अ रेशियो। तो 36% को एज अ रेशियो में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, 36% है, क्या करना है, 36% की वैल्यू 100, ये हो गया रेशियो में। नहीं तो इसको फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 1 2 1 इज द शिफ्ट हो गया, 2 8 16, 2 5 10 और 0, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, तो ये हो गया 9/25, और इसको हमें रेशियो में लिखना है, तो 9:25। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। एग्जांपल नंबर 7, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। तो क्या करेंगे इसे, किस तरीके से करना है, ये कह रहा है कि हम परसेंटेज 120 इज 90 क्या हो सकती है। तो वही सॉल्व करने के लिए, 120 इज 90 बोला है, तो 90/120, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, इसका परसेंट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 5 10, 2 6 12, 3 3 2 6, 3 3 9 एंड 0, 2 1 2 और 2 1 2, 2 5 10 एंड 15 5 75%। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है किसी को भी वीडियो में देखकर, तो प्लीज आप मेरे से क्वेरी जो है गूगल मीट पर पूछ सकते हैं। आपकी गूगल मीट स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट कल से, तो आप गूगल मीट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर आपका 8 क्या है, फाइंड 7 होल नंबर 1/2 परसेंटेज ऑफ ₹2400। ठीक है, तो फाइंड करना है वैल्यू, किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो 7 2 14, 14 में 1 ऐड के 15, तो ये हो गया 15/2 परसेंटेज ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2400। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 15/2 परसेंट है तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 2400। अब क्या करना है, ये अपॉन डिवीजन में, डिवीजन में है, तो क्या करेंगे मैं आपको यहां बता देती हूं, 15/2 ठीक है मल्टीप्लाई बाय
क्या हो जाएगा डिवीजन में, आप इसको ऐसे कर लीजिए 100/1 मल्टीप्लाई बाय 2400 और इसको सॉल्व कीजिए 15/2 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2400। क्लियर? अब 20 से 20 कैंसिल, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, 2 2 4 और 15 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 15 का हम आपको 12 में मल्टीप्लाई करके यही दिखा देते हैं, 5 2 10 वन कैरी, 2 1 2 3 1 5 5 1 1 10 0 8 तो यानी कि 180 आपका क्या आ गया आंसर, ये क्या आ गया रुपीज 180। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65 तो फाइंड द नंबर, पेज नंबर आपका 119 पर है और एग्जांपल अपना ही है। मैं एग्जांपल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। अब क्वेश्चन क्या है उसकी पीडीएफ मैं आपको सॉल्यूशन की दे दूंगी, तो आपको उसमें से जो नहीं आ रहा वो आप मेरे से प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65 तो फाइंड द नंबर। अगर इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, एग्जांपल नंबर 9, तो क्या इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 65 तो फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर क्या कर लिया हमने, एक्स, हमने मान लिया कि हमारा जो नंबर है वो एक्स, क्योंकि हमको तो पता नहीं है एक्स मान लिया, तो हम लिखेंगे 26% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 65 क्योंकि वो नंबर हमको नहीं पता। तो इधर हो गया 26/100 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 65/1 ये हो जाएगा 26x/100 इक्वल्स टू 65/1 में तो कुछ नहीं, 1 करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर देखिए तो ये हो जाएगा 26x इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो x इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉरी 65 है, 65/100 मल्टीप्लाई 100/26। अब हमको इसको कैंसिल करना है, किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 2 1 2 2 3 6 और 2 5 10 और 0 और 13 1 13 और 13 5 60 और 5 5 25 0 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है 250। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपके जो ऑल क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, आप बुक में देख सकते हैं सॉल्यूशन, एंड जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें ओनली वन एक्सरसाइज है आपकी जो कि 9A है परसेंटेज में और ओनली वन है 9A, तो ये सॉल्यूशन जो पीडीएफ है हम आपको सेंड करूंगी, देन एंड क्वेरी हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, एंड समझ में आया हो तो प्लीज थैंक यू।